केमिकल सेक्टर पर मयूरेश आपकी राय में जानना चाहूंगी, क्योंकि कल केमिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और इस केमिकल कॉन्फ्रेंस में केमिकल सेक्टर से जुड़ी कई सारी कंपनियां शामिल थी और केमिकल सेक्टर पर विस्तार से बातचीत भी इस कॉन्फ्रेंस में होते हुए दिखी। ऐसे में आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरो, बासफ इंडिया जैसी कंपनियों ने इस केमिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और केमिकल सेक्टर पर बातचीत करते हुए इन तमाम कंपनियों का ये कहना था कि सेक्टर के लिए इंडस्ट्री का सुनहरा दौर इस वक्त चल रहा है, देश मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा और जब ये मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा तो कंपनियों के डिमांड जो है या कंपनियों के कारोबार के लिए काफी हद तक डिमांड बढ़ती हुई आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नजर आएगी। ये कहना था आरती इंडस्ट्रीज के सुशील राजपुरोहित का। गुजरात फ्लोरो के मैनेजमेंट भी इस कॉन्फ्रेंस में थे। 10 से 15 साल ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार होंगे, उनका नजरिया सेक्टर पर कारोबार पर रहा। और बासफ इंडिया के MD अलेक्जेंडर ये भी इस केमिकल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगा। कारोबार के लिए उनका ये कहना था कि भारत एक काफी अपॉर्चुनिस्ट, काफी एक बड़ा मार्केट है और केमिकल सेक्टर के लिए सरकार के ग्रोथ प्लान्स पर ये कंपनी जो है वो काफी प्रभावित है। इसके अलावा भी उन्नति ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां इस कॉन्फ्रेंस, कुछ 150 लोग थे वहां पे जी, लेकिन ये तीन कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियां हैं तो इनका जो कमेंट्री है वो काफी होता है। बिल्कुल। और इससे मैं SRF पर डिस्कस करना चाहूंगा, मेरे रेडार पर, क्योंकि SRF ने पिछले दिनों में सबसे बड़ा कैपेक्स प्लान कंपेयर टू बहुत केमिकल कंपनीज अनाउंस किया, कुछ 4 times द करंट क्रॉस ब्लॉक। कल भी ये अच्छे वॉल्यूम के साथ काम कर रहा था और लास्ट एक साल में करेक्टिव दौर से SRF गुजर चुका है। डेज हाई पे बंद हुआ 2235 के हिसाब से, सब एक साल का ग्राफ लेके आइए। किरण, SRF में क्या एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड बन सकता है, जिस हिसाब से बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि साहब इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया ले, करेक्टेड नाम है और फंडामेंटल 2-3 क्वार्टर से इंप्रूव होना शुरू हो गए, चला हुआ नहीं है, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक लग रही है इस भाव से आपको? SRF की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में एक सुपर बुल रन आया और हम देख रहे हैं कि अगर इसका टाइम करेक्शन जोन देखें तो कहीं ना कहीं 2 साल ऑलमोस्ट या 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो चुका है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर घूम रहा है। ऊपर में कहीं ना कहीं 2 बार इसने 2700 प्लस के लेवल्स दिखाए थे और नीचे में कहीं ना कहीं 2000 के, तो ये 700 पॉइंट 600 पॉइंट के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर अ सुपर रैली। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्निकल चार्ट्स है, एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कोई भी गिरावट आती है तो स्टॉक में फ्रेश लो नहीं बन रहा है। हमने जून 22 में एक लो जो देखा था 2000 का, उसके बाद कभी भी वो लो टेस्ट नहीं हुआ है। रिसेंटली भी हमने देखा कि 2100 के आसपास लो बना के स्टॉक वापस अपने हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर दिया है। कल भी जिस तरह के चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं टेक्निकल वाइज, तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, स्टॉक 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बंद है, मोमेंटम इंडिकेटर वापस न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें दिखा रही है जैसे आप बोल रहे हो फंडामेंटली भी स्टॉक में हम एक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो 2230 के आसपास का क्लोजिंग है, कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन 2050 के नीचे का एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। बायन डिप्स की सलाह रहेगी यहाँ पे और ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 2350 का लेवल क्रॉस करता है, वो 200 डेज मूविंग एवरेज है, सो 2350 के ऊपर हम इसमें एक सुपर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली 2050 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसमें हम बाई कर सकते हैं। कमेंट करनी है कि जिस तरह से चार्ट पैटर्न में हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने देखा था एक सुपर रैली आने के बाद स्टॉक में करेक्टिव हुए था, लग रहा है कि वो करेक्शंस खत्म हो चुका है, इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रही है, स्टॉक 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो गुजरात फ्लोरो को भी आप ध्यान में रख सकते हो, 3200 के आसपास की क्लोजिंग है, नीचे में कोई भी टिप आता है आप लॉन्ग कीजिए, आप 2800 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप 6 महीने तक होल्ड रखोगे तो 4000 तक के टारगेट भी आपको गुजरात फ्लोरो में देखने को मिल सकते हैं।